गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। सो आज मैं आप सबके साथ एक डिफरेंट सा वीडियो लेकर आई हूँ। रीज़न बिहाइंड, अभी मैंने काफ़ी टाइम से ना ऑलमोस्ट अ वीक अगो मैंने एक वीडियो डाला था, उसके बाद में ना एक बहुत ह्यूज गैप आ गया था। उसका रीज़न ये है कि आपने थंबनेल से जान ही लिया होगा कि ये वीडियो किस पर्पस के लिए है। ये वीडियो है कि मैं आपको स्टार्टिंग से पूरा बताती हूँ। व्हेन आई वाज 19 और 20 इयर्स ओल्ड, सो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम डिस्क्लोजिंग माई एज। एंड जब मैं 19 20 ईयर्स ओल्ड की थी, तब आई हैव जस्ट कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन। एंड अराउंड 2010 आई हैव कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम इंटीग्रल यूनिवर्सिटी एंड BBA इन ई कॉमर्स। सो उसको कम्प्लीट करने के बाद माई एजेंडा वॉज लाइक ओके, बिकॉज आई हैव सीन सो मेनी पीपल्स इन माई हाउस अराउंड मी कि वो सब इंडिपेंडेंट है। इवन माई मदर इज़ इंडिपेंडेंट, माई फादर ऑब्वियसली इज़ इंडिपेंडेंट, सो वो बिजनेस में थे। आई वॉज द पर्सन जो कभी बिजनेस में नहीं जाना चाहती थी, लेकिन मे बी इन फ्यूचर माई माइंड सेट विल चेंज, बट अभी तो ऐसा सच है मेरे साथ। और इवन आई वॉन्ट टू मैरी अ पर्सन हु हैव अ यू नो टाइम क्लॉक अकॉर्डिंग टू माई प्रोफेशन। जैसे हमारा प्रोफेशन अराउंड मॉर्निंग 9 to 7 के बीच में फिनिश हो जाता है, मैक्स 9 to 7 या 9 to 8 के बीच में। बट जो बिजनेस मैन होते हैं उनका जो टाइमिंग्स होता है, दैट इज़ फ्रॉम 10 to 10 और 9 to 10, सो उनका जो क्लॉक होता है वो डिफरेंट चलता है। तो मैं बिल्कुल एक प्रोफेशनल लाइफ जीना चाहती थी हमेशा से। So for that purpose, I even also married a person who is into the professional career. So he's a, as you all know, अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, my husband is a software engineer. तो अब क्या हुआ कि I've completed my studies, graduation till 2010 में मैंने अपना सब कुछ finish कर दिया and I joined a company. आई जस्ट गॉन थ्रू एसेंट पे, मैंने उसका ऐड देखा था, दैट इज़ टाइम्स एसेंट में एम्प्लॉयमेंट ऐड आता है, तो मैंने उसको देखा एंड जस्ट वेंट फॉर एन इंटरव्यू एंड आई गॉट सेलेक्टेड। एंड मैंने एक सिंगल कंपनी में 11 ईयर्स काम किया। ऑब्वियसली मैं बहुत यू नो ट्रेनी की तरह ज्वाइन की थी, एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी सॉर्ट ऑफ, एंड मैं बहुत हायर पोजिशन तक गई, बिकॉज आई हैव ऑलवेज हैव अ कंपिटेंसी कि हाँ मुझे एक कंपनी में पिलर की तरह काम करना है, एज एन इंट्रापेनोर। देर इज़ वन कॉल्ड एज एंट्रप्रेनोर, अनदर वन कॉल्ड एज इंट्रापेनोर। मुझे इंट्रापेनोर की तरह काम करना था। इंट्रापेनोर, अगर मैं बेसिक लेमैन लैंग्वेज में आपको समझाऊँ, तो इंट्रापेनोर इज़ द वन हु वर्क्स फॉर द कंपनी, with the company, not for the company. So I was the one, I work with the company. तो मैं उस कंपनी में अराउंड 11 ईयर्स का टेन्योर मैंने दिया और मैं अपना एक कम्फर्ट जोन बना चुकी थी। When I started, it was just a, you know, stepping stones for me. Because एक एक स्टेप बढ़ बढ़ के I learned so much from that company. Different fields को मैंने explore किया, how to know everything. My curiosity is the only thing which grabs me, which holds me. So I'm very curious. मैं बहुत curious type की person हूँ, because I'm very probing type of a nature. Okay, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ. तो this makes me, you know, explore different fields. So finance, education, business, telecom, you know, vast services, the internet, the camera, the manufacturing, the products, the vehicle tracking system, there are so many things I've explored. मैं कोई इतना याद भी नहीं आया। लैपटॉप इनमें जिसमें मेरा पूरा डेटा बेस है कि मैंने अब तक अपनी लाइफ में 11 ईयर्स के टेन्योर में कितना यू नो सक्सीड किया इन टू द डिफरेंट थिंग्स, बिकॉज दैट कंपनी डील्स विद मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस, तो उनके मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस में डिफरेंट डिफरेंट काम थे, तो आई गेट टू नो दैट टू। सो दिस इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी आई गॉट ऑन दैट कंपनी। सो 11 ईयर्स का टेन्योर के बाद एक डिसीजन लेना कि यू नीड टू स्टेप फॉरवर्ड एंड वर्क इन अ डिफरेंट फर्म, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था। आप सब जो मेरा वीडियो देख रहे होंगे, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो एक ऐसी कंडीशन में होंगे, जो एक अच्छा टेन्योर दे चुके होंगे, नॉट 11 ईयर्स, आई एम सेइंग 4, 5 years, 6 years, और वो अपना एक कंफर्ट जोन, अपना एक आराम की जिंदगी वहां पर सेट कर चुके होंगे। यहाँ पे आराम की जिंदगी का क्या मतलब है? ऐसा नहीं कि आप जा रहे हो और काम नहीं कर रहे हो, नो। आराम की जिंदगी का मतलब ये है कि यू नो हाउ टू डील विद इट। अब आपको कंपनी के लूप होल्स भी पता लग गए हैं,
तो यू नो यू ऑलरेडी सेट एक आपने जोन क्रिएट कर लिया है, यू नो हाउ टू यू नो एवरीबडी ट्रीट्स यू इन अ डिफरेंट वे. सो आपका एक सीनियर पोजिशन होने के बाद और एक ऐसा डिसीजन लेना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है. तो येस आई हैव टेकन दिस डिसीजन. मैंने क्यों ये डिसीजन दिया मैं आपको ये भी बता दूँ, बिकॉज आफ्टर हिटिंग कोविड माई कंपनी डॉनफॉल वॉज लाइक ओके वी हैव सर्टन यू नो अग्रीमेंट्स विच गॉट कैंसल्ड विच गॉट एक्सपायर्ड, सो ड्यू टू विच माई यू नो कंपनी रेवेन्यू गॉट अ ह्यूज डाउनफॉल इन टू इट. सो आई कैन अंडरस्टैंड आई वॉज कोपिंग फ्रॉम पास्ट टू मंथ्स थ्री मंथ्स कि ओके इट विल गेट बेटर, बट इट वॉज नॉट गेटिंग बेटर. So I get to know ki I have to take this decision. I communicated in a very simple way to my director because main kuch aise bad terms mein company nahi chhodna chahti thi. I want to have a very healthy relationship with the last company also because this is the first company which I joined. So and I stayed till 11 years. That's the trust which I build up with my company and myself. So yes, I was the pillar of the company. I always believed in this philosophy ki aap kisi company ka agar pillar hote ho to nobody can shake you up and even the company is based on you. So this is what I was for the company. Yes, aap kisi dusri company mein jaoge to aapko pillar banne mein बहुत टाइम लगेगा. अभी तो मुझे लगता है मैं ईटा भी नहीं हूँ उस कंपनी का जिस कंपनी को मैंने ज्वाइन किया है. तो येस बट आई ऑलवेज इंस्पायर टू बिकम अ पिलर ऑफ द कंपनी बिकॉज आई ऑलवेज हैव एन एजेंडा ऑफ वर्किंग विद द कंपनी नॉट फॉर द कंपनी बिकॉज वेन यू वर्क विद द कंपनी एज एन योर ओन असेट नॉट एज अ लायबिलिटी बिकॉज यू आर लायबिलिटी बिकॉज दे आर पेइंग यू. सो डोंट थिंक अबाउट इट. आप अगर एक असेट बन के काम करना चाहते हो यू हैव अ क्लियर एजेंडा कि आप उस कंपनी के लिए अच्छा टाइम स्पेंड करोगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा. 11 ईयर्स में मेरा कंफर्ट जोन बहुत ही बन चुका था बिकॉज आई हैव अ सेपरेट केबिन, आई हैव पीपल हु रिपोर्ट्स मी, आई हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद द डायरेक्टर, एवरीथिंग वॉज गोइंग फाइन, नो मनी प्रॉब्लम्स, नो फाइनेंशियल एसेट्स प्रॉब्लम्स. बट द थिंग इज द ग्रोथ, आई एम नॉट सीइंग एनी ग्रोथ फ्रॉम पास्ट 3-4 ईयर्स. सो दिस इज वॉट वॉज एक्सपेक्टेड. आई कैन अंडरस्टैंड माई कंपनी कांट अफोर्ड मी एनी मोर बिकॉज उनके साथ प्रॉब्लम हो रहा था, वो ग्रोथ अफोर्ड नहीं कर सकते थे. दे कैन अफोर्ड मी बट दे कांट अफोर्ड द ग्रोथ ऑब्वियसली. सो इस केस में आई हैव टू लुक फॉर बिकॉज आई नीड सम हाइक. सो आई जस्ट वेंट ऑन एंड दिस इज जस्ट ओवरनाइट. मैंने इसमें बहुत ज़्यादा काम नहीं किया लेकिन अगर आप सोचो तो आप कर सकते हो. अगर आपका माइंड सेट क्लियर है, दिस इज टेस्टेड एंड प्रूव्ड कि अगर माइंड सेट आपका क्लियर है, द मोमेंट आई थॉट आई वॉज थिंकिंग फ्रॉम पास्ट 2 ईयर्स टू लीव द कंपनी बट आई नेवर थॉट विद द माइंड सेट कि येस आज ये करना है. लेकिन उस दिन दैट हैपेंड आई रिमेंबर एंड देर इज नो गैप बिटवीन माई लास्ट जॉब एंड दिस जॉब बिकॉज आई सर्व दैट पर्टिकुलर नोटिस पीरियड एंड आफ्टर दैट आई ज्वाइन दिस कंपनी. सो फॉर मी दिस इज अ वेरी विन विन सिचुएशन बिकॉज आई जस्ट इन अ नाइट वाज सर्फिंग सम लिंक्डइन. ऑब्वियसली लिंक्डइन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू गो विद इट. आई मस्ट से कि आप अपने लिंक्डइन में अपनी प्रोफाइल को अपडेट करिए, आप अपने जितने भी कंपनीज आपके एरियाज में हैं. आई ऑलवेज वॉन्ट्स टू लिव इन लखनऊ. मैं लखनऊ की हूँ बिकॉज आई हैव अ बेबी, 2.5 ईयर्स का मेरा बेबी है, मैं उसको छोड़ के कहीं नहीं जा सकती. इफ आई वेंट तो मेरा ग्रोथ दूसरा होता बट मैं नहीं जा सकती बिकॉज मैंने अपना घर है, मेरा स्टेबिलिटी है, ऑब्वियसली आई हैव समथिंग विच आई डोंट वॉन्ट टू लीव इट. बट जो कम्फर्ट जोन मैंने बना रखा था 11 ईयर्स में, आई वॉन्ट टू लीव दैट नेस्ट. मैंने एक नेस्ट बना रखा था, मुझे अब दूसरे नेस्ट में जाना है. आई वॉन्ट टू फ्लाई, दिस इज वॉट आई वॉन्टेड बिकॉज क्रिएटिंग अ न्यू नेस्ट इज लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम नर्सरी अगेन, इट्स फ्रॉम द चाइल्डहुड अगेन. बट आई एम ओके विद इट बिकॉज एक सिचुएशन के बाद लगता है ना कि हाँ आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि आप कर सकते हो. तो मैंने वो फैसला लिया और द मोमेंट आई थॉट आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, I just bang on that opportunity, applied on that opportunity, contacted to that opportunity, and just within few days I got selected. And that's how my whole story got changed. I was working for one another company, I just jumped into the different field. This is how it changed totally. But I really like that I have taken up this step, because if I have not taken up this step, I never thought about it. So
आप अगर आप सोचें कि आप ये करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली अचीव कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सोचें कि यार मेरी रातों रात मेरी नौकरी बदल जाए, मुझे कुछ ग्रोथ मिल जाए, तो रातों रात तो कुछ नहीं होगा। आपको करना पड़ेगा, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। दिस इज वॉट द रियालिटी इज। आई एम जस्ट वेयरिंग द स्पेक्स नॉट वेयर इट लेंस बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू शेयर दिस टॉपिक विद यू ऑल बिफोर इट गॉट टू लेट। तो अगर आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ स्टेगेंट हो गई है, मीन्स रुक गई है, आपको लगता है कि आपकी ग्रोथ रुक गई है, आपका रिलेशनशिप में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, यू रियली वॉन्ट टू कम आउट ऑफ इट, टेक द स्टेप फॉरवर्ड। अगर आप नहीं लोगे तो नोबडी इज गोइंग टू चेंज इट। चेंज योर माइंड सेट, सेकेंड पॉइंट। आई रियली वॉन्ट टू से चेंज योर माइंड सेट। एवरीबडी कैन डू एनी थिंग, एवरी थिंग इज पॉसिबल, एवरी थिंग इज पॉसिबल। दिस इज द लोगो, दिस इज द कोटेशन ऑफ माई कंपनी विच इज बीन प्रिंटेड ऑल ओवर द बोर्ड्स। सो दिस इज समथिंग आई रियली ऑल्सो बिलीव कि अगर आप चाहें तो सब कुछ बदल सकते हैं। तो मैंने ये स्टेप लिया, 11 साल बाद मैंने वो घोंसला छोड़ दिया है एंड मैं अब एक नया घोंसला बना चुकी हूँ, बना रही हूँ तिनको तिनको से, एंड आई विल डेफिनेटली सिट इन टू इट एंड मेक अ डिफरेंट वे ऑफ वर्किंग एंड आई एम रियली लाइकिंग इट बिकॉज द इन्वायरमेंट इज टोटली डिफरेंट, द टाइमिंग्स आर टोटली डिफरेंट, द वर्क अकॉर्डिंगली टोटली इज डिफरेंट, बट द बेसिस इज सिमिलर। आई वॉज हैंडलिंग ऑपरेशन देयर, आई वॉज हैंडलिंग ऑपरेशन हेयर ऑल्सो, टीम साइज इज ऑल्सो डिफरेंट, आई वॉज हैंडलिंग मोर पीपल देयर, आई वॉज हैंडलिंग लेस पीपल, बट द क्वालिटी इज टोटली चेंज्ड। सो आई नो हाउ टू डील विद इट। सो अगर आप कुछ सीखने को मिल रहा है, प्रोडक्ट लाइन इज टोटली डिफरेंट, बट स्टिल आई हैव द अपॉर्चुनिटी टू लर्न। अगर आपका लर्न और ऑब्वियसली योर फाइनेंस इज ग्रोइंग, मीन्स यू आर ग्रोइंग। सो प्लीज़ टेक द स्टेप फॉरवर्ड। अगर आप कभी भी चाहते हो कोई स्टेगिंग जॉब को बदलना या कोई ऐसी स्टेप लेना जिसमें आपको लगता है कि यार ये नहीं हो सकता, दिस कैन नॉट बी पॉसिबल, बिलीव मी इट कैन बी। आई रियली ट्राइड इट और मैं ट्राई किया था, मैं आपको बता सकती हूँ ये बिल्कुल काम करता है। अगर आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं एंड आई एम रियली थैंक गॉड फॉर दिस। एंड my last company is also very very good enough to you know teach me very good lessons. I've learned so many things, but this is something, even this company is also very good, the team size is good, the people are good, they are supportive, but I have to you know learn the things very on the basics way. So yes, this is all I said. If you got stagnant in anything, you want to move on, so let's take step forward and move on. I made this video. I promise I will be making every week at least one or two videos for you all. I can't leave this YouTube because this is the family which I've created with so much of hard work. I hope you all the best and thank you so much for watching the video.